आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई सामने, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा सरकार का बड़ा फैसला, छात्र छात्राओं को 2000 रुपए का मिलेगा इंटरनेट अलाउंस, क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा SBI, HDFC और ICICI बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई सामने, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए जरूरी खबर, बोर्ड परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को लेनी होगी कोविड वैक्सीन, क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ खबर, इस राज्य में सरकारी भर्तियों के लिए नहीं लगेगा आवेदन शुल्क, क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा इंश्योरेंस कराने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे आपको एक एक करके अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, जयपुर जोधपुर में स्कूल बंद, कर्मचारियों की क्षमता घटाई। बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा की गई, जिसके बाद गृह विभाग ने बुधवार को रात को यहां पर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं सीएम गहलोत ने नए निर्देशों को लेकर यहां पर ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री निवास पर VC के माध्यम से हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आए सुझावों और विचार विमर्शों के अनुरूप गृह विभाग ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए नए दिशा निर्देश यहां पर जारी किए हैं। वही नए गाइडलाइन में क्या है, तो आपको बता दें कि जयपुर और जोधपुर के नगर निगम क्षेत्र के सभी स्कूल जो 8वीं तक स्कूल है वो 17 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकारी ऑफिस में सिर्फ 50% कर्मचारी के साथ ही यहां पर काम होगा। इसके अलावा बाकी कर्मचारी घर से यहां पर काम करेंगे। इसके अलावा 55 साल जैसे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों और दिव्यांगों को ऑफिस पर बुलाने की पाबंदी यहां पर रहेगी, यानी इनको ऑफिस नहीं बुलाया जाएगा। वही प्रशासन गांवों के संग अभियान को भी यहां पर स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश भर में नाइट कर्फ्यू पहले की तरह रात 11 बजे सुबह 5 बजे तक यहां पर जारी रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब पोस्ट ऑफिस में भी बुक करा सकेंगे ट्रेन का टिकट। रेल यात्रियों की सुविधा और जरूरत को देखते हुए IRCTC एक यहां पर योजना की शुरुआत करने जा रहा है। अब आप अपने नजदीक के पोस्ट ऑफिस में ही ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। वह जानकारी के मुताबिक देश के रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज यहां पर उत्तर प्रदेश के यहां पर 9147 पोस्ट ऑफिस से रेलवे रजिस्ट्रेशन टिकट यहां पर जारी करने की योजना की शुरुआत यहां पर करेंगे। इसके बाद से यहां पर अब आप पोस्ट ऑफिस के जरिए भी यहां पर ट्रेन का टिकट बुक आज से कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हिमाचल प्रदेश में रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का हुआ है ऐलान। हिमाचल में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान यहां पर कर दिया है। वही राज्य के अंदर नाइट कर्फ्यू का जो ऐलान यहां पर हुआ है, वो नाइट कर्फ्यू रात यहां पर 10 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। वही देश के अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में यहां पर नाइट कर्फ्यू यहां पर लागू किया गया है। वही जयराम सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला कर यहां पर लिया है। इसके अलावा किसी भी हॉल में एक साथ यहां पर केवल 50% लोग ही यहां पर जमा होने की यहां पर अनुमति दी जाने के बाद आदेश यहां पर ये जारी कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर, बिहार पहला राज्य जहां घर बैठे मिलेगा जमीन का नक्शा। बिहार में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जमीन के नक्शे के लिए लोगों को यहां पर सरकारी कार्यालय में घंटों का इंतजार यहां पर करना पड़ता है। वही कई बार तो इंतजार के बाद भी उन्हें अपना जमीन का नक्शा यहां पर नहीं मिल पाता, लेकिन अब वैसे लोगों को यहां पर राहत मिलने वाली है। दरअसल बिहार सरकार एक खास योजना पर शुरू करने जा रही है, जिसके बाद लोगों को घर बैठे जमीन का नक्शा बिहार के अंदर मिल जाएगा। वही मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के राजस्व विभाग की ओर से जल्दी एक सिस्टम यहां पर शुरू किया जाएगा, जिसके तहत लोगों को जो अपनी जमीन है उसका नक्शा बड़ी से आसानी से यहाँ पर उनको मिल जाएगा। इस व्यवस्था के शुरू होते ही यहाँ पर सरकारी कार्यालयों में घंटों के चक्कर लगाने वाले लोगों को यहाँ पर रियायत यहाँ पर मिलेगी। आपको बता दें कि नक्शा घर मंगवाने के लिए लोगों को कुछ तरीके यहाँ पर अपनाने होंगे, यानी सरकार की ओर से गाइडलाइन है उसका पालन यहाँ पर करना होगा। इसके बाद राजस्व विभाग की ओर से जमीन का नक्शा सीधे लोगों के घर यहाँ पर भेज दिया जाएगा। सबसे पहले लोगों को वो मिलेगा और यहाँ पर पीरा में निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर वहाँ जाना होगा। वहाँ यहाँ पर डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद लोग एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है जो उसको यहाँ पर भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद लोगों को ऑनलाइन ही 150 रुपये जमा कराने होंगे। वही आवेदन के कुछ ही दिन बाद नक्शा आपके घर यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों के लिए नहीं लगेगा आवेदन शुल्क, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर निकल कर आई। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने
अपने विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा निकाली जाने वाली सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन शुल्क माफ करने की घोषणा यहाँ पर की है। सरकार ने 31 मार्च 2022 तक के लिए भर्तियों के लिए शुल्क यहाँ पर माफ किया है। वही कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के चलते सरकार द्वारा ये निर्णय यहाँ पर इस राज्य में लिया गया। वही सरकार ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभाव के मद्देनजर भर्तियों के लिए लिए जाने वाले आवेदन शुल्क से यहाँ पर आवेदकों को मुक्त करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्तमान में 2000 से अधिक पदों पर यहाँ पर भर्तियां जारी है, जिनमें यहाँ पर नागरिक सेवा में सिविल जज और दूरसंचार विभाग में चीफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल और फायरमैन और सहकारी समिति टूटने यहाँ पर 2000 से अधिक पदों पर यहाँ पर भर्ती होनी है। और ये बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, बड़े मेलों पर लगी है रोक। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण के बचाव के लिए मध्य प्रदेश में भी नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी गई है। नए नियमों के मुताबिक एमपी के अंदर मेलों पर रोक लगा दी गई है। शादी में 250 और छव यात्रा में सिर्फ 50 लोग ही एमपी में शामिल हो सकेंगे। वही भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान यहाँ पर ये घोषणा की है, ये फैसला यहाँ पर लिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी, आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक अब घर बैठे भर सकेंगे कस्टम ड्यूटी। अगर आपका भी खाता आईसीआईसीआई बैंक में है तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल बैंक ने अपने ग्राहकों को सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी ऑनलाइन भरने की सुविधा यहाँ पर बैंक ने प्रदान की है। वही कॉर्पोरेट और रिटेल दोनों तरह के ग्राहक इस सुविधा का यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। वही कॉर्पोरेट ग्राहक के यहाँ पर कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग यानी सीआईबी और मोबाइल बैंकिंग ऐप इंस्टा बीज के जरिए यहाँ पर सीमा शुल्क का भुगतान वो कर सकते हैं, जबकि रिटेल ग्राहक बैंक के रिटेल इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ई पेपर वालों के लिए अच्छी खबर, न्यूनतम पेंशन 1000 के बजाय हो सकती है 9000। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ई पेपर के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल नए साल में उनकी जो न्यूनतम पेंशन है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। फरवरी में होने वाले श्रम मंत्रालय की बैठक में एक और एजेंडे पर यहाँ पर शामिल किया गया। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये अधिकतम को यहाँ पर 9000 रुपये सरकार की ओर से किया जा सकता है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो महाराष्ट्र में कॉलेज और यूनिवर्सिटी 15 फरवरी तक के लिए बंद, अब ऑनलाइन होगी पढ़ाई। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को बंद कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक बार फिर यहां पर ऑनलाइन पढ़ाई होगी। वहीं राज्य के उच्च और यहां पर तकनीकी मंत्री उदय सामंत ने यहां पर बुधवार को इस बात की जानकारी यहां पर दी है, उन्होंने ऐलान यहां पर किया है। वहीं की सरकार की तरफ से यहां पर साफ किया गया है कि 15 फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस दौरान परीक्षाएं भी यहां पर ऑनलाइन ही यहां पर ली जाएगी। वहीं राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि रोटेशन के आधार पर सिर्फ 50% तक शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को कॉलेज और विश्वविद्यालय के कार्यालय में जाने की इजाजत यहाँ पर होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना काल में लेना हुआ महंगा, कंपनियों ने 40% तक की है बढ़ोतरी। कोरोना काल में लाइफ इंश्योरेंस काफी महंगा हो गया। वही कोरोना की शुरुआत यानी मार्च 2020 से लेकर अभी तक जनवरी 2022 तक कंपनियों ने टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम में 40% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। वही शर्तों में सख्ती भी यहाँ पर हुई है। वही सभी प्राइवेट कंपनियों ने यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी की है, लेकिन LIC एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने अपने टर्म प्लान्स में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की है। वे प्रीमियम को जैसा का तैसा यहाँ पर रखा है। वे क्लेम पैटर्न में भी यहाँ पर बदलाव और रीइंश्योरेंस कंपनियों के प्रीमियम बढ़ाने की वजह से कंपनियों ने यहाँ पर बढ़ोतरी की है, और इसे यहाँ पर जो बढ़ोतरी की है वो बढ़ोतरी को यहाँ पर ग्राहकों के पास इसको यहाँ पर ऑन किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो शिक्षकों को छत्तीसगढ़ सरकार का तोहफा, अब 3 साल में ही मिल जाएगा प्रमोशन। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर यहाँ पर नियम को आसान यहाँ पर कर दिया। वही शिक्षा कर्मियों को बड़ी राहत यहाँ पर आसान करके ये दी है। वही इस फैसले से राज्य के लगभग 22,500 शिक्षकों को फायदा मिलेगा। वही छत्तीसगढ़ शासन ने बुधवार शाम को एक अहम आदेश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा भर्ती एवं पदोन्नति नियम को यहाँ पर शिथिल यहाँ पर कर दिया है। वह राज्य में अब सरकारी शिक्षकों का प्रमोशन के लिए यहाँ पर न्यूनतम अनुभव को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो बोर्ड परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को लेनी होगी कोविड वैक्सीन, ICIC ने जारी किया है नोटिस। 2 महीने में बोर्ड परीक्षाएं यहां पर शुरू होने वाली है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण देश में तीसरी लहर भी यहां पर तेजी से बढ़ रही है। ऐसी परिस्थितियों में देश भर के करोड़ों बच्चों और पेरेंट्स के मन में डर है। हालांकि 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का काम यहाँ पर भारत में शुरू यहाँ पर कर दिया गया है। वही दिशा में ICSE ने यहाँ पर बोर्ड में एक सर्कुलर जारी कर कहा कि सभी यहाँ पर बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए कोरोना की गाइडलाइन पालन करना यहाँ पर अनिवार्य होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो टाटा कैपिटल ने लॉन्च किया है फ्लेक्सी प्लस लोन, 5 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का ले सकते हैं होम लोन।
टाटा कैपिटल ने नए तरह का लोन फ्लेक्सी लोन यहाँ पर की शुरुआत यहाँ पर की। इस लोन में कई आकर्षक फीचर्स यहाँ पर दिए गए जिससे ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। वही टाटा कैपिटल के सिक्योर अनसिक्योर प्रोडक्ट कैटेगरी में इस लोन को सुविधा यहाँ पर ये जो लोन है इसकी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। वही फ्लेक्सी लोन के बारे में लोगों को बताने के लिए टाटा कैपिटल ने मार्केटिंग कैंपेन इंडिया अपने मन की करो लॉन्च यहाँ पर किया है। टाटा कैपिटल द्वारा टाटा सुमो की प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी है जिसने यहाँ पर फ्लेक्सी प्लस लोन लॉन्च किया है। इस लोन की सुविधा में प्रोडक्ट कैटेगरी में नए ऑफर का लाभ भी उठाया जा सकता है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में अब सस्ता नहीं होगा पेट्रोल डीजल, सरकार अब और कम नहीं करेगी वेट। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल अब सस्ता नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़े क्रूड ऑयल के दामों में यहाँ पर कटौती हुई यानी घट रहे हो, लेकिन एमपी में वेट फिलहाल यहाँ पर कम नहीं होगा। वही प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साफ कहा है कि अब वेट कम करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास यहाँ पर सरकार करती रहेगी। वही प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यहाँ पर मीडिया में यहाँ पर बातचीत में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड के दाम भले यहाँ पर कम हो गए हो और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला केंद्र सरकार को लेना है, वही प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल पर वेट कम यहाँ पर नहीं करेगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो ऑनलाइन क्लास के लिए पंजाब सरकार छात्रों को देगी 2,000 रुपए का इंटरनेट अलाउंस। पंजाब सरकार ने छात्रों को राहत पहुंचाने वाला फैसला लिया। दरअसल उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन क्लास के लिए 2,000 रुपए का इंटरनेट खर्च सरकार की ओर से यहां पर मिलेगा। ये इंटरनेट अलाउंस एक बार यहां पर छात्रों को मिलेगा। वह इंटरनेट अलाउंस का जो फैसला है वो पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में यहाँ पर कोरोना महामारी के मद्देनजर यहाँ पर लिया गया है। वही कैबिनेट की बैठक के बाद पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस फैसले से करीब 8.5 लाख से अधिक छात्रों को यहाँ पर फायदा होगा। इस मौके पर पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कॉलेजों के छात्रों और छात्राओं को ऑनलाइन क्लास ही यहाँ पर अब करनी होगी। वही कोई भी छात्र इंटरनेट की सुविधा न होने की वजह से ऑनलाइन क्लास से वंचित न रह जाए, इसके लिए सरकार ने इंटरनेट अलाउंस देने का यहाँ पर फैसला लिया है। वही इंटरनेट अलाउंस पाने के लिए छात्रों को अपने कॉलेज में अपना जो बैंक अकाउंट की जानकारी है वो यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद पंजाब सरकार छात्रों के खाते में यहाँ पर 2,000 रुपए यहाँ पर ट्रांसफर करेगी। आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेडिकल नर्सिंग कॉलेज को छोड़कर सभी स्कूल कॉलेज यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। उन्हें ऑनलाइन शिक्षण संस्थानों के साथ यहाँ पर आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ रात का कर्फ्यू, शॉपिंग मॉल और यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम समेत कई तरह के प्रतिबंध सरकार की ओर से लगा दिए गए हैं। ये जो प्रतिबंध है पंजाब में वो 15 जनवरी तक यहाँ पर जारी रहेंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, मृतक के परिजनों को 4.5 लाख रुपए देगी बिहार सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कल हुई कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर यहाँ पर मोहर लगी, जिसमें सरकार का सबसे बड़ा फैसला कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों के हक में यहाँ पर किया है। वही बिहार में कोविड-19 मृतकों के निकटतम आश्रितों को सरकार की तरफ से 4.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि यहाँ पर दी जाएगी। ये सरकार की ओर से फैसला यहाँ पर लिया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में डरा रहा है कोरोना, एक्सपर्ट्स बोले हर दिन दुगने हो रहे हैं केस। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वही स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक हर दिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार दुगनी हो रही है, यानी दुगनी रफ्तार से यहाँ पर बढ़ रही है। वही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को यहाँ पर सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 2 हफ्ते बहुत ही यहाँ पर खतरनाक साबित होने वाले हैं। वही न्यू जर्सी एनआई से बात करते हुए दिल्ली के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आशीष कट्टर ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन यहाँ पर दुगनी हो रही है। ज्यादातर मरीजों के गले के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर संक्रमण के हल्के लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता महसूस यहाँ पर नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के जो मामले हैं वो यहाँ पर बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों में 58,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। वही कल यहाँ पर मामले जो आए थे वो यहाँ पर 37,000 के आसपास मामले आए थे, आज यहाँ पर 58,000 के आसपास मामले यहाँ पर आए हैं और 534 लोगों की मौत हुई है। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की, तो तमिलनाडु में प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन, आज से नाइट कर्फ्यू, बंद रहेंगे सभी 9वीं तक के स्कूल। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने और बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने नई पाबंदियों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बुधवार को नई पाबंदियां की घोषणा यहाँ पर की है और कहा कि रात 10 बजे से 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू की यहाँ पर जो है वो कर्फ्यू यहाँ पर रात में रहेगा, जो कि यहाँ पर आज यानी 6 जनवरी से प्रभावी होगा। वही मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि प्रदेश में यहाँ पर आज से रात 10 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू और रविवार 9 जनवरी को पूर्ण लॉकडाउन यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर रहेगा। इस दौरान सभी रेस्टोरेंट सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक यहाँ पर टेक अवे संचालित यहाँ पर वो कर सकेंगे। वही
कक्षा एक से लगाकर नवीं के लिए केवल ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। वही दसवीं और बारहवीं के लिए शारीरिक कक्षाओं की अनुमति यहाँ पर सरकार की ओर से दी गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेलवे का बड़ा फैसला, महिलाओं को ट्रेन में मिलेगी कंफर्म सीट। रेलवे ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। अब ट्रेन में महिलाओं को सीट के लिए परेशान नहीं होना होगा। जिस तरह से बस और मेट्रो ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पर आरक्षित सीट होती है, उसी तरह भारतीय रेलवे भी यहाँ पर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करेगा। वही भारतीय रेलवे की ओर से लंबी दूरी की ट्रेनों को यहाँ पर महिला यात्रियों के लिए बर्थ रिजर्व आपस में की गई है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए यहाँ पर ये बड़ा यहाँ पर प्लान किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर महीने के अंत तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए और भी प्लान यहाँ पर केयर लिए जाएंगे। वही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में महिलाओं को आरामदायक जो यात्रा है उनके लिए यहाँ पर भारतीय रेलवे रिजर्व बर्थ निर्धारित करके कई तरह की सुविधा यहाँ पर महिलाओं के लिए शुरू कर रहा है। वही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर क्लास में 6 बर्थ यहाँ पर होती है। वही गरीब रथ राजधानी दुरंतो पूरी तरह से यहाँ पर वातानुकूलित, एक्सप्रेस ट्रेनों में 3rd एसी कोच में यहाँ पर बर्थ महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो SBI, HDFC और ICICI बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए जरूरी खबर। RBI ने दी है बड़ी जानकारी। अगर आप SBI, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक करा के, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर। दरअसल RBI ने तीनों बैंकों के बारे में एक बड़ी जानकारी यहाँ पर दी है। इसका ग्राहक पर असर यहाँ पर पड़ेगा। वही भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ प्राइवेट सेक्टर ICICI बैंक और HDFC बैंक के जो ग्राहक है वो घरेलू स्तर पर यहाँ पर प्रणाली के हिसाब से महत्वपूर्ण बैंक यहाँ पर बने हुए हैं। RBI ने कहा है कि संस्थान इतने महत्वपूर्ण है कि इनकी विफलता का देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर यहाँ पर पड़ेगा। वही RBI ने बताया कि SBI के अंतर्गत आने वाले बैंक यहाँ पर जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इनका विफल होना यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है, इसलिए इन बैंकों के लिए यहाँ पर संकट के समय सरकार से समर्थन की उम्मीद यहाँ पर होती है। इस धारणा के कारण इन बैंकों को वित्त पोषण से बाजार में यहाँ पर लाभ प्राप्त होते हैं। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक बयान में कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक, SBI, ICICI बैंक और HDFC घरेलू स्तर पर पूर्ण प्रणाली के हिसाब से महत्वपूर्ण बैंक यहाँ पर बने हुए हैं। ये 2020 की यहाँ पर DS SBI की सूची में समान संरचना जो संरचना है उसके तहत है।